Papa is a district level town of Lao Cai province in the Hoang Lien Sound Son Mountains of northwest Vietnam. A popular trekking base, it overlooks the terraced fields of the Muang Hoa Valley, visits two waterfalls, and climbing 3,143 meter tall Phang Si Phan Peak. It is also called as Phang Si Phan. तो अभी मैं लगेज पैक कर रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। तो अभी हमें टैक्सी में बस स्टॉप तक जाना होगा। तो अब हम बस स्टॉप पहुंच चुके हैं और हमारी बस भी आ चुकी है। अब हम बस पर बोर्डिंग कर चुके हैं। ये हमारी स्लीपर बस है। तो हमारा सफर 6 घंटों का होगा, लगभग 325 किलोमीटर की दूरी के। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं होटल में सापा में। तो इधर बहुत ही ज्यादा ठंडी है, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इधर। तो हम जैसे ही आए तुरंत हमने फ्रेश अप हो गए और अभी हम एक विलेज व्यू के लिए चलते हैं। हम दो विलेज देखेंगे, एक है ताइवान और दूसरा लाओचाय। तो ये दोनों विलेज ट्रैकिंग रूट है, पर पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा ठंड यही साल आई है, इसलिए आज हम जाएंगे वैन में। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पूरा फॉग से भरा हुआ है। ये हमारे होटल के कुछ पिक्चर्स हैं। जब फॉग नहीं रहेगा तो हमारी होटल ऐसे दिखेगी। Thank you.
at the border with China, different culture and ethnic tribes live together. The Black Hmong, Red Dao, Tai, Zhao live too with different languages, tradition and costumes. Culture is very strong. We all learn from our family. In Sabah, we have 5 different ethnic groups. So we have Black Hmong, that the biggest population, and the second biggest is the Red Thai people, and Zai and Suffolk people. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सापा टाउन स्क्वायर है। इधर आप रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केट्स देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अभी इधर बहुत ही ज्यादा फॉग होने की वजह से अभी इधर कुछ नहीं दिख रहा है। सापा टाउन स्क्वायर के बाजू में ही न्यू ईयर की सेटिंग हुई है, वो भी आर्टिफिशियल स्नो के साथ, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है और बहुत अट्रैक्टिव भी है। यही वो लव मार्केट है सापा टाउन स्क्वायर के बाजू में, जिधर एथनिक ट्राइब्स के लोग जमा होते हैं परफॉर्म करने के लिए एवरी सैटरडे। यहाँ देख सकते हैं कि लोग पिग रोस्ट कर रहे हैं। ये सब न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां हैं।
क्योंकि आज 1 जनवरी 2021 है और इधर कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गलियों में स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स भी सजे हुए हैं और बहुत सारे असॉर्टेड आइटम्स हैं। अगर अभी ऑर्डर करेंगे तो यही बना के देते हैं। चलिए दोस्तों, इस ट्रिप को यहीं एंड करते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट जाने वाले हैं सन वर्ल्ड द फैंसी पॉन्ड लेजेंड। सो जमे रहिए, मैं जल्द ही दूसरा व्लॉग लेकर आऊँगा।